देवरिया हत्याकांड में बचे हुए अनमोल की जिंदगी इस ट्रामा सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच में अंदर उसका इलाज चल रहा है। और तो मैं दिखाऊं कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज का वह हिस्सा है जहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, प्रिंसिपल बैठते हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा है। देवरिया हत्याकांड ने सभी का दिल दहला दिया। इस हत्याकांड में एक मासूम बच्चा अनमोल बच गया, जिसका इलाज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लगातार जारी है। जैसे जैसे अनमोल की हालत में सुधार है, वैसे वैसे अस्पताल स्टाफ के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। अनमोल बार बार अपने माता पिता के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने भाई गांधी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसे कुछ भी नहीं बताया गया। यूपी तक की टीम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंची तो देखा कि अनमोल की सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात है। देवरिया हत्याकांड में बचे हुए अनमोल की जिंदगी इस ट्रामा सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच में अंदर उसका इलाज चल रहा है और 5 डॉक्टरों की टीम इस वक्त अनमोल की जिंदगी की रक्षा कर रही है। और अनमोल इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत सुरक्षित है, ऐसा जो अंदर से बातें आ रही हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि इस ट्रामा सेंटर में इस गेट से अंदर के बाद यहाँ पर कड़ी सुरक्षा इसलिए लगाई गई है ताकि अनमोल की जिंदगी इलाज के साथ साथ उन अपराधियों के भी चंगुल से सुरक्षित रहे। अनमोल अब स्वस्थ बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में हमने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है कि अनमोल अब खतरे से बाहर है और बार बार अपने परिवार, अपने माता पिता के बारे में पूछता है। जब हम अनमोल के पास पहुंचे तो कड़ी सुरक्षा बीच उसको रखा गया है और 5 डॉक्टरों की निगरानी में भी उसकी जांच चल रही है। फिलहाल अनमोल अब ठीक होने के कगार पर है, लेकिन वह बार बार अपने परिजनों को याद कर रहा है। आपको बता दें कि उसके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन डॉक्टरों के सामने भी ऐसी स्थिति आती है कि जब वह मजबूर होते हैं। वहां से लौटने के बाद जब हम यहां पहुंचते हैं तो यह प्रशासनिक भवन है जहां पर आपको मैं दिखाऊं कि यह बीआरडी मेडिकल कॉलेज का वह हिस्सा है जहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, प्रिंसिपल बैठते हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा है। वही मंगलवार को मृतक सत्य प्रकाश दुबे का बड़ा बेटा देवेश अपने भाई अनमोल से मिलने अस्पताल पहुंचा तो ये तस्वीर देखने वाली थी। दोनों भाइयों के चेहरे एक दूसरे को देखकर खिल उठे। हत्याकांड में परिवार खत्म होने के बाद अब ये दोनों भाई ही एक दूसरे का एकमात्र सहारा बचे हैं। छोटे भाई अनमोल को सही सलामत देखकर पहली बार देवेश के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। वही पिछले दिनों सीएम योगी से लेकर रवि किशन और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अनमोल से अस्पताल में मिलने पहुंचे थे। वही बता दें कि 2 अक्टूबर को देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या की गई और बदले की भावना से फिर दूसरे पक्ष यानी सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।